मैं सबसे पहले तो अपने सभी खिलाड़ी साथियों का, जिन्होंने पिछले कल भी और आज भी, पिछले कल तो आपके सामने ही रात को क्या, सुबह 2 बजे ही चर्चाएं समाप्त हुई, और आज भी पिछले 7 घंटे से लगातार बातचीत चल रही है। बहुत धैर्य के साथ सभी खिलाड़ियों ने अपनी बात भी रखी। जो गंभीर आरोप भारतीय कुश्ती संघ पर लगे उसको भी बताया, और किस तरह से इसमें सुधार वो चाहते हैं वो भी इनकी मांगे सामने आई। और हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी, उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं सभी खिलाड़ी साथियों का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि कुछ बहुमूल्य सुझाव भी उन्होंने दिए हैं, और सब ने मिलकर ये चर्चा खेल और खिलाड़ियों के हित में, और विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से खेलों को आगे बढ़ाने का काम भारत में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं भी खिलाड़ियों से समय समय पर बातचीत भी की, बड़े टूर्नामेंट से पहले भी, बाद में भी, बीच में भी, और खेलों का सुधार भी किया। बहुत सारे खेल संघों में बदलाव भी आपने देखे होंगे। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे, और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं, और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया इस पूरी काम में, 72 घंटे का नोटिस था उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है, और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जांच को पूरी भी करेंगे, ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जा सके। मैं श्री बजरंग पुनिया जी से निवेदन करता हूँ कि आप सबको अपनी बात रखें। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमेशा जो 3 दिन हम, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इतना सहयोग दिया है आप लोगों ने हमें, और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी वो सुनी है, और एक निर्णय लिया है कि भैया हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है, तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से, तो
सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जितना भी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है पिछले साल, आप सभी ने देखा जो पिछले साल जितने भी कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो पीछे साल गए उनमें, तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद।